नमस्कार, मानस मिश्रा मलिन न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश की दो सर्वोच्च व्यवस्थाएं अगर एक दूसरे के ईगो के लिए एक दूसरे से भिड़ते रहें तो साहब उस देश का विकास तो होना मुश्किल ही है। आज भारत में शायद वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार, केंद्र सरकार के बीच में टकराव हर मुद्दे पर देखा जाता है। वो मुद्दा चाहे कॉलेजियम का हो, मुद्दा चाहे ईडी के अपॉइंटमेंट का हो, अब चीफ सेक्रेटरी का मुद्दा आया है, जहां पर एक दूसरे से यहां पर भिड़ते हुए नजर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट से सीधे तौर पर यहां पर केंद्र सरकार को तलब किया है। आखिरकार क्यों पलट रहे हैं पीएमओ के फैसले? क्या आखिरकार इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो इमरजेंसी कोर्ट के फैसले के बाद ही लगाई थी? क्या फिर मोदी सरकार ऐसा करेगी? क्योंकि ऐसा होता ही दिख रहा है। आगे दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे कांग्रेस सरकार के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट को हथियार बना करके पलटवा रही है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ दो या तीन ही नाम आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और एक दो नाम और हैं जो हमेशा कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं और सरकार के किसी भी फैसले को वहां पर रोक देते हैं, चाहे वो कृषि कानून बिल रहा हो, चाहे सीएनआरसी रहा हो, चाहे धारा 370 रहा हो, चाहे ईडी के अपॉइंटमेंट का, ईडी के जो डायरेक्टर थे संजय कुमार मिश्रा उनके एक्सटेंशन का मामला हो। अब मामला आ गया है चीफ सेक्रेटरी का। आपको दिखाते हैं, अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक लाइन बोल रहा हूं कि साहब सरकारें कितनी बदल लो, सिस्टम हमारा है। तो कांग्रेस का सिस्टम है जो सरकारों को काम नहीं करने दे रहा है, और आज भी यही कुछ हुआ है। तो वीडियो के लाइक शेयर करके हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए, कम से कम 5 ग्रुपों में शेयर करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये मनमानी है या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से उसकी बातों को नहीं मान रहा है, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। अदालत ने पूछा, क्या आप एक व्यक्ति से ऊपर अटक गए हैं? क्या इस पद से कोई दूसरा आईएएस अधिकारी नहीं है? इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल जवाब तब किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसने दिल्ली के मौजूद मुख्य सचिव नरेश कुमार के कार्यकाल को विस्तार देने का फैसला किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंचूर, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया कि आपके पास कोई अन्य आईएएस अधिकारी नहीं है जो मुख्य सचिव बन सके? अब समझने का यहां पर प्रयास करिएगा, सरकार जब चला रही होती, सत्ता को चला रही होती है, तो अपने हिसाब से चीजों को थोड़ा मैनेज करने का प्रयास करती है। अपने हिसाब मतलब कि कौन सा व्यक्ति किस पद के लिए वो अच्छे से काम कर सकता है, उसका निर्वहन कर सकता है उस पद का। तो जाहिर सी बात है, आपको बता दें पीएमओ में या किसी और ऊपर में अगर किसी की तैनाती होती है तो 1 साल या 2 साल के लिए उसको तैनाती होती है। 1 या 2 साल में अगर कोई काम करता है तो वो काम पूरी तरह से वो कर नहीं पाता है और बीच में ही छोड़कर जाना पड़ता है। एक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से करते आए हैं कि जब किसी को कोई काम सौंपते हैं तो एक तो उसको फ्री हैंड छोड़ देते हैं और उससे कहते हैं जितना भी वक्त लो आप ले लो, लेकिन मुझे इसका परिणाम चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। ऐसे में अब मुख्य सचिव को भी कोई काम दिया गया और उसको पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आईएएस अधिकारी ने, मुख्य सचिव ने समय मांगा कि मुझे इतना समय चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री हमेशा से उसको वक्त देते हैं। अब इस मामले पर सॉलिसिटर जनरल के से सवाल पूछा गया, यानी सरकार से सवाल पूछा गया कि आखिर मुख्य सचिव को बनाया जाए। एक सवाल और है अदालत से कि साहब आप जब कॉलेजियम सिस्टम के तहत कुछ लोगों को चिनते हो तो आपको किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है, आप नहीं चाहते हो एनएचजीसीएम जो एक कानून आ रहा था 2015 में जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन आपने उसको 2 झटके में एक कदम चलाया और उसको नकार दिया। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी व्यवस्था को कोई ठेस पहुंचे अगर आपकी व्यवस्था में कोई दखलंदाजी दे? लेकिन आप अगर कोई भी व्यक्ति, एक चुनी हुई सरकार जो है 140 करोड़ द्वारा, अगर वो कोई फैसला लेता है तो आप अगर संसद के द्वारा फैसला ले तो भी आप उस पर अलंगा लगा देते हैं शायद, और वो अलंगा कांग्रेस अपने पीआईएल के जरिए, पीआईएल पतियों के जरिए, कपिल सिब्बल, मनुषेक मुनिक संघवी के जरिए कराती है।
यही मामला ईडी के लिए भी आया था। अदालत ने केंद्र सरकार के मुख्य सचिव के कार्यकाल के विस्तार देने के लिए अपनी शक्तियों के बारे में विस्तार बताने के लिए कहा है। इस मामले पर जवाब देने पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार को एक से दो दिन का वक्त दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मौजूद मुख्य सचिव कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने बेंच के कहा कि मौजूदा मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के बीच भरोसे की काफी कमी है। सिंघवी ने कहा, बेंच से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना ये बंधे हुए हैं। अब आप समझिएगा सबसे यहाँ मेन काम, वकील अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के जितने भी कानून है वो हैं, केस आते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल लड़ते हैं। देश के खिलाफ जितने भी केस आते हैं वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल लड़ते हैं। अब कपिल सिब्बल केजरीवाल का भी केस यहां पर लड़ रहे हैं। जी हां, केजरीवाल का भी केस कपिल सिब्बल यहां पर लड़ रहे हैं। अब समझिए, एक कहने के लिए साहब एक दूसरे के अलग अलग पार्टियां, ये सब एक जैसे ही हैं, एक थाली के चट्टे बच्चे हैं। चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे जेडीयू हो, सपा हो, ये 26 इंडिया दल है, इसे कहने के लिए है सबका चेहरा एक ही है कि सभी भारतीय सेना से सबूत मांगते हैं और उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है कोर्ट में, वकील मनु सिंघवी। कुछ भी हो जाए 370 को वापसी लाना है कपिल सिब्बल मनु सिंघवी, राम मंदिर पर नहीं बनने देना है कपिल सिब्बल, कृषि कानून है कपिल सिब्बल, तो ये सारी चीजें हो होती हैं। साफ तौर पर हिंदुस्तान की जनता को समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ईडी की तरफ बढ़ेंगे। इन सबके बीच में मुख्य सचिव के बिना काम नहीं होगा, वरिष्ठ वकील सिंघवी ने यहां पर कहा है कोर्ट में। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पसंद के व्यक्ति को मुख्य सचिव नियुक्त करें, मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति वरिष्ठम नियुक्ति करें या सीएम और एलजी के साथ बैठ जाएं, हमने नामों का एक पैनल दें। उन्होंने मुख्य सचिव के लिंच पिन की संज्ञा देते हुए कहा कि प्रशासन उनके बिना काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अदालत केंद्र के 5 वरिष्ठ नौकरशाहों के नाम एक पैनल ले सकती है, क्या सरकार के पास पूरे देश में कोई आईएएस अधिकारी नहीं है? सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने अभी कानून रोक नहीं लगाई है, बेंच दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के साथ बिना किसी सलाह के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति या मौजूद मुख्य सचिव के कार्यकाल को बढ़ाने में किसी भी मदद की चुनौती दी गई है। इन सबके बीच में हम चलते हैं ईडी की तरफ, जहां याद होगा आपको ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा। मैं इसलिए कहानी आपको दोहराना चाहता हूं क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि यहां पर मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी का जो काम है, जो उनका कार्यकाल है, उसको क्यों एक्सटेंड किया गया, उसका सबसे सीधा साधा उदाहरण जो है वो संजय कुमार मिश्रा है, जिनको ईडी डायरेक्टर है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका एक्सटेंशन क्यों किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार ने बताया कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों किया गया। असल में 2014 में जब पीएम मोदी बने थे तो उन्होंने भ्रष्ट भारत में विकास को रोकने के लिए, भ्रष्ट भारत के विकास को रोकने के लिए जो भ्रष्टाचार है उसके लिए नए भारत का निर्माण काम करने का काम शुरू किया था। अगर आपको आपको मोदी और राजनाथ सिंह के पहले 2-3 साल याद हो तो एनजीओ सेल कंपनियों पर भारी कार्रवाई की गई थी, लेकिन बाद में महसूस किया गया कि साठगांठ से बहुत बड़ी है और इन वित्तीय अपराधों के निपटने के लिए एक समान रूप से सक्षम टीम का निर्माण किया जाए। ऐसे में उस समय उन्होंने ईडी के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को वहां पर ले आए। मोदी उनसे बहुत प्रभावित हुए थे और अपना दृष्टिकोण बताया। उन्हें 2018 में ईडी का प्रमुख बनने के लिए कहा गया था। उन्हें पहली बार 19 नवंबर 2018 को ईडी के प्रधान सचिव, ईडी के पूर्णकालिक निदेशक रूप में नियुक्त किया गया था। उस समय ईडी का बहुत कम ज्ञात विभाग था। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करती थी। जो नहीं जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, विदेश के निर्देश पर स्थानीय रूप से धन का आदान प्रदान करने के लिए एक सरल शब्द होता है। जैसे कि मैं भारत में रहता हूं, एक मेरा मित्र मान लीजिए कहीं और रहता है, अमेरिका में रहता है, तो मैंने 100 रुपए दिए यहां पर कहते हुए कि मैं बदले में यूएस में अपने मित्र या अपने रिश्तेदार को $1 भुगतान कर दूंगा। तो इसका मतलब, जैसे आपको कहते हैं कपड़े धोने का मतलब गंदे सपड़े का कपड़े साफ करना, उसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि जो काला धन है उसको साफ कैसे किया जाए, उसको वैध कैसे बनाया जाए, ये सरकार ने किया है।
मैं आपको बता दूं, एक मोदी का पुराना वीडियो खोज रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसने भी लोग भर्ती करने पड़े मैं करूंगा, और 70 सालों में जितने देश को लूटा है मैं सबका पता लगा लूंगा। एके मिश्रा भी ईडी के डायरेक्टर पुनर्निर्माण का काम उन्होंने बाद में शुरू किया उसके बाद, और उनसे केवल 23 वरिष्ठ अधिकारी थे उस समय उसमें, और 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी हैं अब, और ईडी में अब पूरे देश में उसका कार्यालय है, ईडी के पास असीमित शक्ति है, वे कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं, इन शक्तियों का इस्तेमाल करो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। एसके मिश्रा ने भी शुरू किए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोदी के अप्रत्याशित मतलब उसके लिए किया था, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि सरकार भ्रष्टाचार पर इस तरह की कार्रवाई करेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार भारत के सामान्य नियम बन गए। ईडी ने कार्ति चिदम्बरम, चंदा कोचर और अन्य लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। बाद में एसके मिश्रा के सेवानिवृत्ति मार्च 2020 में जब होने वाले थे, लेकिन उनका 2 साल का कार्यकाल नवंबर 2020 तक किया गया। बाकी भारत में सीबीआई निदेशक ईडी निदेशकों की नियुक्ति सिर्फ 2 साल या 60 वर्ष की आयु से पहले ही की जाती है। ऐसे में एसके मिश्रा ने मार्च 2020 में अपने 60 वर्ष पूरे कर लिए थे, लेकिन केंद्र ने उन्हें चालू रखा। नवंबर 2020 में जब उनकी सेवानिवृत्ति होने वाली थी, तब विपक्षी उनकी सेवानिवृत्ति का इंतजार कर रहे थे। सरकार राष्ट्रपति के पास गई और राष्ट्रपति ने नवंबर 2018 में उनकी नियुक्ति के आदेश और पूर्व व्यापी प्रभाव से 2 से 3 साल के लिए संशोधित किया। उनका कार्यकाल नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया। अब विपक्ष ने धैर्य खोड़ दिया और एक एनजीओ कॉमन कॉज के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गया, जो उनके परिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। सरकार ने एसके मिश्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजबूती से लड़ाई लड़ी और विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार के पास ईडी निदेशक के कार्यकाल को 2 से 3 साल बढ़ाने की शक्ति है, लेकिन केवल दुर्लभ से दुर्बल मामलों में। कार्यकाल 2 नवंबर 2021 के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा कहा गया। विपक्ष ने एसके मिश्रा के सेवानिवृत्ति के लिए नवंबर 2021 तक इंतजार करने के बारे में सोचा, और नवंबर 2021 में उन्हें एक और झटका लगा जब सरकार ने सीबीसी अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाई और संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल नवंबर 2021 से लेकर बढ़ाकर 2023 कर दिया, यानी 3 से लेकर 5 साल कर दिया गया उनका कार्यकाल। अब संजय कुमार मिश्रा इस अध्यादेश से भारतीय इतिहास में पहले लाभार्थी बने, और बाद में सरकार ने उसे संशोधन को संसद द्वारा पारित भी कर लिया। अब विपक्षी दल गैर सरकारी संगठन ने सब्र खो दिया और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें हटाने के लिए याचिकाओं पर बाढ़ आ गई। केस अभी भी चल रहे हैं, आखिरी सुनवाई इस तरह से हुई थी, उसे सरकार सुप्रीम कोर्ट ने दिए जवाब में ये सभी याचिकाकर्ता राजनीतिक दलों के जिन भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन पर ये सारी चीजें साफ तौर पर रही। आपको बता दें, मोदी जिस तरह से संजय मिश्रा के साथ मजबूती से खड़े दिखे, एक बात पक्की थी कि जब अपराधी जेल नहीं जाते विपक्ष उनसे छुटकारा पाने वाला नहीं है। केस का नाम और अभियुक्तों की अगर हम बात बताएं तो जो संजय कुमार मिश्रा ने किए थे उसमें बड़े बड़े नाम है, यूं ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की बाढ़ आ गई। कार्ति चिदम्बरम पी चिदम्बरम भी इनके मामले में आईएनएक्स मीडिया मामले में फंसे हुए थे। महाराष्ट्र के राज्य सरकारी बैंक मामले में शरद पवार का नाम, मनी लॉन्ड्रिंग केस में डीके शिवकुमार का नाम, जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के मामले में फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की भी ईडी जांच कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी राहुल गांधी की जाँच ईडी कर रही है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में रतुल पुरी के नाम इस समय कमलनाथ के परिजन उनकी कर रही है। पंचकुला भूमि वारंट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जांच ईडी कर रही है। आय से अधिक संपत्ति में आनंद कुमार एनी मायावती के परिवार के जो आनंद कुमार उनकी कर रही है। अवैध खनन मामले में अखिलेश यादव की, जमीन सौदे के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की, एयरसेल मैक्सिस डील में राजा की, गनीमोजी दयानिधि मारन, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में संजय रावत की, स्टार्लिंग बायोटेक मामले में अहमद पटेल के बेटे की, भूम घोटाले में जगन रेड्डी की, एम्बुलेंस मामले में अशोक गहलोत की, शारदा चिट मामले में ममता बनर्जी के, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की, दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के। मैं लिस्ट अगर पढ़ूं तो लिस्ट की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आप समझ सकते होंगे कि एक आदमी के पीछे विपक्ष और वामपंथी तंत्र क्यों पड़ा रहता है, क्यों आखिरकार मोदी को चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, और जब भी मोदी कोई फैसला लेते हैं तब मोदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में बाढ़ रह जाती। क्योंकि एक बात साफ है कि इस कांग्रेस के लिए सरकारें कितनी बदल लो, सिस्टम हमारा है, और वो इसी सिस्टम के तहत अब सरकार से वो सारे फैसले पलटवाने का प्रयास करती है, लेकिन वो फैसले इतनी आसानी से नहीं पलटेंगे, क्योंकि ये मोदी है, तुम कुछ भी करो उसका काट वो ढूंढ कर लाएगा ही। बने रहे ली न्यूज नेशन के साथ। अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो नीचे दिए नंबर्स पर आप हमें पेटीएम या गूगल पे करके हमें सहायता राशि भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।